ऑनलाइन सर्मिक चैनल पर दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं यहां पर बात करने वाला हूं, गेहूं अधिप्राप्ति के लिए यहां पर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दी गई है। यानी कि जितने भी यहां पर फसल खेती गेहूं कटाई हुआ है वो लोग चाहे तो पैक्स या व्यापार मंडल में अपना नंबर लगाकर बेच सकते हैं। तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने से लेकर ऑनलाइन से लेकर यानी कि प्रिंटिंग तक सारा स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करके यहाँ पर बताने वाले हैं। कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे क्या करना है, कहाँ पर जमा करनी है, सारा चीज मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, गूगल ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा और मेन स्क्रीन पर आ जाइएगा और गूगल पर टाइप करना है। देख सकते हैं मैंने गूगल पर टाइप किया है ऑनलाइन सबमिट। सबमिट में यहाँ पर ध्यान रहे कि डबल टी रहेगा, ये आपको कन्फर्मली याद रहना है और इंटर कर दीजिएगा। जो पहला वाला वेबसाइट शो करेगा इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है onlinesubmit.com उस पर आप डायरेक्टली पहुंच जाइएगा। जैसा कि मैं इस वेबसाइट पर आ चुका हूं onlinesubmit.com, यहां पर भी शो कर रहा है और साथ में यहां पर देख सकते हैं ऑनलाइन सबमिट। सबमिट पे यहां पर ध्यान रहे कि डबल टी। इस साइट पर आने के बाद हर एक तरह की न्यू अपडेट मिलती रहती है। तो जैसे मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, नीचे चला जाता हूँ जहाँ लेटेस्ट न्यू अपडेट का ऑप्शन है। देख सकते हैं यहाँ पर लेटेस्ट न्यू अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ पर शो कर रहा है बिहार गेहूं अधिप्राप्ति ऑनलाइन अप्लाई 2022 वेरी यूजफुल। इसको सिंपल सा क्लिक कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पूरा तरीका से क्लिक कर दिया है। यहाँ पर पूरी अच्छे ढंग से समझ लेंगे। आपको ध्यान दें कि आज ही के डेट में यहाँ पर स्टार्ट किया गया है अप्लीकेशन देगी 10/4/2022। सभी किसान लोग इसको आवेदन कर सकते हैं, कोई फी यहाँ पर नहीं लगने वाला है। यहाँ पर ध्यान रहे, देख सकते यहाँ पर लाइव भी दिखाया हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन होगा। तो मैं डायरेक्टली क्यों नीचे चला जाता हूँ जहां पर यहाँ पर पोस्ट इंपोर्टेंट लिंक्स, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन है और टेलीग्राम से जुड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन है इसको सिंपल सा क्लिक कीजिएगा। लेकिन सिंपल सा क्लिक करने के बाद पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले चलता हूँ। जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पर प्रोसेस टू होम पेज कर लेते हैं। खरीफ गेहूं अधिप्राप्ति 2022-23 आवेदन करे का यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर आवेदन करे का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बता दूं कि डायरेक्टली अगर जैसे इस पर क्लिक करेंगे न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली इस वाले टैब पर चले जाइएगा। मैं इसको कटिंग कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ से भी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर होम पेज ओपन हो चुका है। रवि गेहूं अधिप्राप्ति 2022-23 हेतु आवेदन प्रपत्र किसान पंजीकरण संख्या। अब ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो भी किसान हैं यहाँ पर गेहूं अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, अपने पैक्स में बहुत अच्छे दामों पर बेचना चाहते हैं, पैक्स या व्यापार मंडल में नंबर लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको उनको बता दूं कि सबसे पहले किसान रजिस्ट्रेशन आपको होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसान रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है पूरा स्टेप बाई स्टेप आपको पढ़ लेनी है। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर रैयत किसान के लिए अधिकतम गेहूं की मात्रा 150 क्विंटल तक चलेगा और गैर रैयत के लिए अधिकतम गेहूं की मात्रा 50 क्विंटल। कहने का मतलब कि रैयत किसान खुद का जमीन है तो रैयत किसान बोलते हैं, अगर गैर रैयत है तो अगर दूसरे के जमीन पर खेती करते हैं उसको गैर रैयत बोला जाता है। कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और अगर आपके पास देखिए कोई भी त्रुटि हो तो यहाँ से सुधार सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर किसान रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना किसान रजिस्ट्रेशन संख्या जान सकते हैं। अगर आपको किसान रजिस्ट्रेशन संख्या जानना है तो दोस्तों डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर होम पेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम कर लेता हूँ, पंजीकरण वाले पे जाने पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर क्लिक कर लिया हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर किसी से भी जान सकते हैं। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर क्या करता हूँ यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया, देख सकते हैं हमारा पूरा नंबर यहाँ पूरा शो कर रहा है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो कर रहा है। इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और पहले वाले वेबसाइट पर चले जाएंगे आवेदन करे पर, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन में मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो आपको समस्या का समाधान कर देंगे। तो यहाँ पर पंजीकरण संख्या डायरेक्टली डाल देनी है और सर्च पर क्लिक कर देनी है। देख सकते हैं मैंने सर्च कैसे किया हूँ यहाँ पर बता दिया हूँ। देख सकते हैं आपके द्वारा दी गई निबंधन संख्या गलत है, कृषि विभाग में निबंधन संख्या डालें। यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कीजिएगा, ओके पर क्लिक कीजिएगा
अब देखिए ये फॉर्म नहीं भरा पर है, इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस साइट पर फॉर्म भरने के लिए सभी योजनाओं का ऑनलाइन आवेदन 9 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक ही होगा। यानी कि कोई भी फॉर्म इस पे भरना चाहते हैं तो आपको 9 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आगे यहाँ पर शो नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर आवेदन अभी जीरो बता रहा है, अभी एक भी आवेदन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अपडेट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिली है। जैसा कि बता दूं कि जितने भी यहाँ पर फॉर्म है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, वो इस टाइम टेबल के चलेगा, जैसे कि योजनाओं का जैसे वहां पर लिखा। मैं यहाँ पर दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ, सारा चीज यहाँ पर फिलअप करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सारा चीज ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप है, माता जी का नाम यहाँ पर डाल देंगे, माता जी का यहाँ पर नाम फिलअप कर लेनी है, यहाँ पर लिंग और श्रेणी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, बैंक आईएफएससी कोड सब कुछ यहाँ पर डाला गया है। जैसे कि यहाँ पर बैंक खाता विवरणी यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। बैंक का नाम यहाँ पर बीओआई दिखा रहा है, बैंक शाखा का नाम डालना है, क्या आपका जो भी आपका बैंक है खाता आधार से लिंक है, हाँ या नहीं पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं, हाँ पे हाँ क्लिक करना है। दोस्तों अगर नहीं है तो यहाँ पर करा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी अकाउंट से जो अकाउंट आपका लिंक रहता है उसी पे पैसा आता है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अधिप्राप्ति एवं जमीन का विवरण, गेहूं देने के लिए टैक्स व्यापार का चयन, अगर कोई भी अगर आप गेहूं बेचना चाहते हैं टैक्स में देना चाहते हैं या व्यापार मंडल, तो टैक्स में देना चाहते हैं तो टैक्स पे टिकट करेंगे, व्यापार मंडल पे देना चाहते हैं तो व्यापार मंडल पे क्लिक करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी है यहाँ पर डाल देंगे एक बार, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर दिया, सारा चीज यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से फॉर्म को फिलअप कर लिया है, यहाँ पर टैक्स पे क्लिक कर लेते हैं, किसान का प्रकार रैयत है, खुद का जमीन है तो रैयत, दूसरे का जमीन है तो गैर रैयत करेंगे, रैयत किसान कर दिए। आधार के अतिरिक्त पहचान पत्र की संख्या क्या आप देना चाहते हैं आधार के, तो मैं यहाँ पर क्या देना चाहता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं, मैं पैन कार्ड अटैच कर देता हूँ, कोई भी एक प्रूफ यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा। पहचान पत्र का नंबर पूरा तरीके से यहाँ पर डाल देनी, मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर डाल दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राजस्व अभिलेख में दर्ज सूचनाएं के अनुसार यहाँ पर आपका जिला सिलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी प्रखंड है उस प्रखंड को यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। हल्का का मतलब होता है दोस्तों जो भी आपका पंचायत है उस पंचायत को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर पंचायत को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। गांव का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, गांव का जो भी नाम है यहाँ पर नाम डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ जमाबंदी पंजी की भाग संख्या और पृष्ठ संख्या, जब आप रसीद काटते हैं तो उस समय आपको एक भाग संख्या और एक पृष्ठ संख्या ऊपर में शो करता है, तो उसको भाग संख्या एक है और पृष्ठ संख्या 23 तो डाल देंगे, और जमीन का विवरण पे खोजे पर क्लिक कर देंगे, ये ऑलरेडी खोलकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। जैसे कि ये विवरण क्या हो यहाँ पर रसीद खोज कर यहाँ पर अटैच हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर डाल दिए हैं, कुल एकड़ कितना है, जितना जमीन है यहाँ पर उतना ऑलरेडी ले लेगा। कुल संभावित गेहूं की मात्रा अब कितना क्विंटल देना चाहते हैं, तो मैं 80 क्विंटल देना चाहता हूँ, तो 80 क्विंटल पर क्लिक कर देंगे। अब आता हूँ नीचे, आयोजक की घोषणा पत्र यहाँ पर है, इस पर क्लिक कीजिएगा और डायरेक्टली क्या कीजिएगा, आगे बढ़े पर क्लिक कीजिएगा। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी है जो भी प्रूफ है अटैच करनी है, और अटैच करने के बाद आपका फाइनल सबमिट कर देनी है ओटीपी लेकर। जैसे ही ओटीपी लेकर फाइनल करते हैं आपको पूरी तरीके से एक रिसीविंग दिया जाएगा, उस रिसीविंग को लेकर आप रख लीजिए। जैसे ही पैक्स में धान दिया जाएगा यानी कि गेहूं दिया जाएगा, तो उस समय यहाँ पर पूरी स्टेप बाय स्टेप आप वहां पर जाकर देकर आप समझकर आप अपना ऑनलाइन फिलअप करके क्लियर करा सकते हैं। दोस्तों हूबहु इसी की तरह के धान का भी रजिस्ट्रेशन होता है, जिस तरीके से आप गेहूं बेच रहे हैं उसी तरीके से धान का भी बेचते हैं, ये आपको ध्यान देनी है। तो यही मेन प्रोसेस था, वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।